लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोलो कामाक्षा देवी की जय। कामाक्षा देवी की जय। कामाक्षा देवी की जय। राम लक्ष्मण की बलि पाकर देवी हम पर अवश्य प्रसन्न होगी। पुजारी जी पूजा आरंभ। मकरे ये फूलों का थाल यहां रख दो। मकरे इतना घबरा क्यों रही हो? महाराज मैं तो ये तो बेचारे रात दिन अपने पति की चिंता में खोई रहती है। अच्छा ये बात है, पता नहीं इसका पति कौन होगा। होगा कोई मूर्ख। सोच क्या रही हो मकरे? जाओ जाओ। दानवपति पूजा का शुभ मुहूर्त हो चुका, पधारिए। अपने इष्ट देव और माता पिता का ध्यान कर लो। भारी कैसे हो गया? फूलों का थाल? हाँ। कोई बात नहीं, हम उठाते हैं। ये थाल है या सीता जी के यज्ञ का शिव धनुष है? महाराज हाथ लगाओ। नहीं भैया, आप एक फूलों का थाल नहीं उठा सकते? कहाँ गया आपका बल? अहिरावन। महादेवी आप चिंता ना करें, हम अभी इस थाल को उठाए देते हैं। भैया इन फूलों में अवश्य कोई माया में शक्ति छुपी हुई है। माया में शक्ति? हाँ नहीं तो हम अभी देखते हैं। महाराज शक्ति इधर नहीं, शक्ति तो उधर है। लीला चमत्कार। किसका चमत्कार? किसकी लीला? माँ कामाक्षा की लीला। देखिए ना उधर देखिए। दया करो प्रभु, अब लीला बहुत हो चुकी है। धन्य हो माँ, तुम्हारी लीला अपरंपार है। उठाइए माँ देवी उठाइए। मकरे प्रसन्न हूं, जिसका फल
भैया देवी हम बहुत प्रसन्न है, हम कितने भाग्यशाली हैं। अहिरावन महिरावन माता, केवल राम लक्ष्मण से मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरी भूख मिटाने के लिए दही मिठाई फल जो मिले ले आओ। दूध मिठाई फल, जल्दी करो, मेरी आज्ञा पालन में देर की तो राम लक्ष्मण से पहले मैं तुम सबका भक्षण कर जाऊंगी। क्षमा कीजिए माता, आपकी आज्ञा शीघ्र पालन की जाएगी। अहिरावन महिरावन, तुम सब राम लक्ष्मण को छोड़कर मंदिर का द्वार बंद कर दो, मुझे खिलाने की सामग्री मंदिर के ऊपरी भाग से डाली जाए। सावधान, जो भी मुझे देखने का प्रयत्न करेगा वो अंधा हो जाएगा। प्रजाजनों, माता को तृप्त करने के लिए दूध दही मिठाई फल जितना भी मिले लेकर आओ। हम कर दो ये द्वार। शीघ्र भोजन लाओ, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। जाओ देवी की खाने की सामग्री ले जाओ, जल्दी जाओ। जय श्री राम। पवन कुमार प्रणाम। ये सब क्या हो रहा है पवन कुमार? जीवन में पहली बार शक्ति के बदले बुद्धि से काम ले रहा हूँ प्रभु। अच्छा, तो बुद्धि से पेट पूजा का प्रबंध किया है हनुमान जी? पेट पूजा के बिना शक्ति और बुद्धि दोनों से काम नहीं होता। भोजन आ गया है प्रभु। तो फिर देर किस बात की, आनंद पूर्वक भोग लगाइए हनुमान जी। और देवी को भोग मैं देवी को दूध का भोग लगाकर अभी आता हूँ। वही ठहरना, जाना नहीं, समझी? मैं जाना नहीं, चलो जल्दी चलो।
कहाँ गया, न नीचे न ऊपर, अधर में। लड्डू, पेड़ा, दही। बाप रे, देवी के जगह देव, और वो भी पर्वत की तरह विशाल। कौन है तू? मैं अही और मही का सेवक सही हूँ। हाँ, कैसी रही? सही, तू तो भोग लगाने गया था। किसने तुझे फेंका? बोल ना, किसने तुझे फेंका? आप बंद करो, मेरा पेट भर गया। माता कामाक्षा देवी की जय। धन्य हो पवन कुमार, आज तुमने अनोखा चमत्कार दिखाया। ये मेरा नहीं, आपका चमत्कार है प्रभु। अब आप अही मही से युद्ध कीजिए। किंतु हमारे धनुष्मान। चिंता न कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। बंदर, महाराज बंदर, यही बंदर अंदर खाना खा रहा था। देवी नहीं, यही बंदर। महाराज बंदर, महाराज बंदर, बंदर। बंदर? ये बंदर साधारण नहीं, लंका जलाने वाला हनुमान है। राम लक्ष्मण को बचाने के लिए इसने देवी बनकर हमें धोखा दिया है। किंतु हमारे भय से भाग गया। लक्ष्मण, द्वार को भीतर से बंद कर दो। जो आज्ञा भैया। कहीं वापस आ गया तो? इससे पहले राम लक्ष्मण जीवित न होंगे। दानव, मंदिर का द्वार खोल दो। हनुमान जी आ गए। जय श्री राम। हनुमान जी, आप अकेले प्रभु को लेकर नहीं आए? नहीं, मैं प्रभु के धनुष बाण लेने आया हूँ। पातालपुरी में अही मही के साथ उनका युद्ध होने वाला है। आप लोग चिंता न करें, पापियों का नाश करके प्रभु शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। आप लोग सब यहाँ सावधानी से रहिए। जय श्री राम।